दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से उनके पूरे एफर्ट्स रहने वाले हैं आने वाले सीजन से पहले कम से कम यार दोस्तों 3 से 5 यहाँ पर प्रैक्टिस मुकाबले वो खेल लें। अब प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी कैसी रहती है उसके ऊपर थोड़ा बहुत विचार यहाँ पर करना पड़ेगा, बट हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे एक्सक्लूसिवली जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है लाइव फुटेज लेकर आएंगे। बट दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, टॉप अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह हमें फॉलो कर लो यार। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली टॉप अपडेट्स की। तो पहली अपडेट आ रही है वाटर केकेआर को लेकर। तो यार वाटर केकेआर मतलब यार क्या हुआ इसका, क्या है ये अपडेट? दरअसल दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड की अभी T20 सीरीज चल रही है, आप सभी ने देखा होगा। एक तरफ यार दोस्तों ये तो वही बात हो गई, बरमूडा और इंडिया का मुकाबला हो रहा है, और दोस्तों अगर बात करें तो उस मुकाबले के अंदर 200 से ज़्यादा रन का स्कोर यहाँ पर टीम इंडिया ने किया था, और दोस्तों लगभग पता नहीं कितने रनों से बहुत कम, या से ये कह सकते हैं केकेआर और आरसीबी का मुकाबला इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो गया था। बट अब दोस्तों इन सब चीज़ों को हटा दें तो मैच के अंदर वाटर केकेआर का क्या रोल है? सो यार टीम केकेआर एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बन चुका है। टीम केकेआर के यहाँ पर काफ़ी सारे खिलाड़ी खेल रहे थे। किस किस ने रन बनाए? शुभमन गिल ने रन बनाए जो केकेआर के थे, राहुल त्रिपाठी ने रन बनाए जो केकेआर के थे, सूर्य कुमार यादव ने रन बनाए जो केकेआर के थे। तो क्या बस इतना ही? नहीं नहीं, रुको ज़रा, सबर करो। अब ये तीनों के तो नाम आपने जान लिए हैं, तीनों ने बहुत हिटिंग की, लंबे लंबे छक्के मारे, चौके मारे, बट मारे किसको दोस्तों? ये चौके छक्के मारे लॉकी फर्गसन को, 4 ओवर में 54 रन दे चुके हैं, और ये दोस्तों अपनी ताल ठोक चुके हैं कि आपने हमें ट्रेन तो कर दिया बट आपने हमें रिटेन नहीं किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चाहे इंटरनेशनल लेवल हो चाहे आगे आने वाला आईपीएल हो। और दोस्तों ये बात तो अब अच्छी बात है कि टीम केकेआर के एक्स प्लेयर काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। लॉकी फर्गसन यहाँ पर दोस्तों उनको चिंता का विषय है, इतने महंगे टीम केकेआर के लिए आए हैं, अगर वो ऐसे ही मार खाते रहे तो वेंकी मैसूर को तो नींद भी नहीं आएगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या आपको लगता है राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव इस आईपीएल में चमकेंगे? क्या लॉकी फर्गसन के साथ भी यहाँ पर दोस्तों नाइंसाफी हो रही है, क्या उनको भी इंसाफ मिलेगा कम रन देकर? अगली अपडेट आ रही है डेविड वीजे को लेकर। तो यार ADKR को बहुत बुरी तरह से धोने के बाद, अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस शो करने के बाद इन्होंने MI को भी धो डाला है, और दोस्तों वहाँ भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया है। बैटिंग में तो केवल 5 रन बनाए और चौका मारकर टीम को जिताया था, बॉलिंग में दोस्तों 4 ओवर डाले, केवल 14 रन दिए और 2 विकेट भी लिए। तो यार जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी यहाँ पर डेविड वीजे दे रहे हैं, इसके अलावा शाकिब अल हसन दे रहे हैं, तो यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि क्या आंद्रे रसल जो अभी ADKR से बहुत लो फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, और सुनील नारायण जो बहुत प्रेशर सिचुएशन में आ गए हैं, क्या उनको यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है? वैसे ये बहुत बड़ी बात है, बट आप कमेंट करके ज़रूर बताओ आपके अकॉर्डिंग 4 ओवरसीज खिलाड़ी टीम KKR के कौन से होंगे। अगली अपडेट आ रही है पैट कमिंस को लेकर। अब बात करें पैट कमिंस की, तो यार इन्होंने बोला है कि एक बहुत इमोशनल डिसीजन इन्होंने कुछ महीने पहले लिया था जिसमें IPL ना खेलने का फैसला था। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि सभी IPL टीम्स को ऑल द बेस्ट कहेंगे, क्योंकि अब IPL पास में आ गया तो सबको अपनी गुड इमेज तो बनानी है। तो यार इन्होंने सभी टीमों को ऑल द बेस्ट बोला ही है, खासतौर पर टीम अपनी होम टाउन को भी बोला ही है जो केकेआर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मैसेज दिया है आईपीएल का लेवल अलग होता है बट अभी नेशनल ड्यूटी है, तो यार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ रही है तो इंडिया थोड़ी बच कर रहे, क्योंकि यार हम पूरे जो हाइप डब है, चार्ज डब है, लेट सी, ये तो दोस्तों ग्राउंड पर ही पता चलेगा। बट हाँ श्रेयस अय्यर मिस करेंगे जिसका दुख हमें रहेगा। बट दोस्तों यहीं रैप अप करते हैं वीडियो को, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।